अगर हर इंडियन अगर अपने दिल में यही सोच लेना, शायद आपको ये नहीं पता होगा कि सबसे पहले वो हमारी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, और वो भी दो बार, और मतलब सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और गाइस, एक चीज जो यहाँ की सबसे मेन चीज है, गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज मार्टिन शर्मा और आप देख रहे हैं साइकिलिंग ऑन नथिंग। और आप आज फाइनली मतलब मैं साइकिलिंग करने निकल गया हूँ, तो आज मैं आप सबको लेके चल रहा हूँ राजघाट, जहाँ पर मतलब आप सबको पता ही होगा महात्मा गांधी जी की समाधि है। तो बाकी वहाँ पर ना काफ़ी कुछ और भी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे भी आप मेरे साथ चलिए। और बने रहिएगा इस वीडियो में ना लास्ट तक, आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता चलेगी उसके मतलब राजघाट के बारे में। तो चलो मेरे साथ। तो गाइस फाइनली मैं राजघाट पहुंच गया। ये मेरे पीछे देखो, अभी तो फिलहाल मैं पार्किंग वाले एरिया में हूँ। ये मैंने पीछे अपनी यहाँ पे साइकिलिंग मतलब साइकिल लगाई है, साइकिलिंग करके आया हूँ मैं आप सबके सामने ही। और ये कैफेटेरिया है, और यहाँ से मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ राजघाट के। मतलब अगर आप मतलब अपने व्हीकल से आएंगे तो आप मतलब यहीं पर ये पीछे पार्किंगे, यहीं पर अपना आप पार्क कर देना, और बाकी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। बस ये गाइस, ये यहाँ से मैं निकला और ये ऐसे रोड क्रॉस करके यहाँ से एंट्री है। और ये पर ना मेन गेट नहीं है, ये मतलब पार्किंग से जो मतलब अपने व्हीकल से आएगा उसके लिए ये गेट है। मैं मेन गेट आपको अंदर दिखा देता हूँ, अगर बाय चांस आप बस से आते हैं या मेट्रो से आते हैं तो आप कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं एक बार ही सिक्योरिटी चेक करवा के अंदर पहुँच के मिलता हूँ आपसे। गाइस देखिए, ये मेन गेट है राजघाट का, और अगर आप यहाँ पर जैसे मेट्रो से आएंगे तो आप दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पे आप एग्ज़िट कर सकते हैं, और वहाँ से उतर के रिक्शा या ऑटो कुछ भी ले सकते हैं। और अगर आप बस से आएंगे तो राजघाट के सामने बिल्कुल राजघाट का बस स्टॉप भी है। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि ये यमुना जो रिवर है उसके वेस्ट साइड पर पड़ता है, ओल्ड दिल्ली एरिया की तरफ। और यहाँ की मतलब एंट्री बिल्कुल फ्री है, और टाइमिंग्स यहाँ के सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक है, और अपना आप आराम से आ सकते हो। और गाइस एक चीज़ जो यहाँ की सबसे मेन चीज़ है, वो मतलब मुझे भी यहाँ आके मतलब यहाँ आके क्या, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तब पता चली कि मतलब अभी तक हमें लगता था, मुझे ये लगता था कि यहाँ पे सिर्फ महात्मा गांधी जी की मतलब समाधि है, बट ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पे हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर्स थे काफ़ी, और प्रेसिडेंट्स थे, फॉर एग्जांपल राजीव गांधी जी हो गए, इंदिरा गांधी जी हो गई, और अभी लेटेस्ट 2018 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ हुई थी तो उनकी भी समाधि यहीं बनाई गई है। वो मैं आपको एक बार ही सब दिखाता हूँ, बाकी आप फिलहाल मेरे साथ अंदर चलो, गांधी जी की समाधि की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं और फिर जैसे भी होता है आपको आगे लेके चलेंगे, आप बने रहना। गाइस यहाँ पर जूते उतारने हैं हमें और अपना यहाँ पर रखने हैं, और फिर जाएंगे हम अंदर यहाँ से। गाइस मैं बहुत सही टाइम पे आ गए हैं, कोई नहीं है आप देख रहे हो। और ये गांधी जी की समाधि है, जब 30 जनवरी 1948 को उनको मतलब गोली मार दी गई थी, उसके अगले दिन 31 जनवरी 1948 को उनकी समाधि बनाई गई है। देखिए ब्लैक मार्बल से बनाई गई है, और इस पे हे राम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये मतलब गांधी जी के लास्ट वर्ड्स थे। ये देख लीजिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है, और ये अभी फूल इन्होंने अभी चढ़ाए हैं, देखिए कितने तरीके से चढ़ाए हैं। और यहाँ पर मतलब आप भी आके अपनी रिस्पेक्ट दे सकते हो यहाँ पर आके, और ये देखिए कितना सही लग रहा है आसपास इसके व्यू। और अब एक बारी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये यहाँ से कैसा लगेगा। गाइस देखिए कितना सही लग रहा है ये यहाँ। सर मैंने आपको बोला ना कि मेरा, मैं सोच रहा था कैसा लग रहा है, तो मैं आ ही गया, मैंने कहा एक बार देखूँ कैसा लग रहा है। आप देखिए कितना सही लग रहा है, और आसपास का व्यू देखिए गाइस। और आप मतलब मेनली आप ये देखिए कितना मेंटेन्ड है ये, मतलब कितना वेल मेंटेन्ड है। और यहाँ पर मतलब आप यहाँ पर जैसे पिकनिक मनाने आ सकते हैं, और यहाँ पर मतलब मेरे को ना वैसे थोड़ी यहाँ पर सुंदर नर्सरी वाली वाइब आ रही है। और अगर आपने मतलब सुंदर नर्सरी विजिट नहीं करा है तो वो भी आप मतलब वीडियो देख लेना मेरी, और वहाँ भी एक बारी ज़रूर जाना, और यहाँ तो आप आना ही आना। और फिलहाल मैं आपको यहाँ से इस तरफ लेके चल रहा हूँ, मैंने इसी गेट से एंट्री करी थी, ये इसका दूसरा गेट है जहाँ पर मतलब किसान घाट की तरफ जा रहा हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पर किसान घाट है, और यहाँ पर मतलब एक दो समाधियाँ और है, मतलब जो मतलब मैंने आपको बताया जिन जिन की समाधि है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जैसे भी होता है। This is how I feel and I can't stop.
गाइस ये देखिए, ये वीर भूमि है राजीव गांधी जी की समाधि। राजीव गांधी जी भी हमारे 6th प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी जो मम्मा थी इंदिरा गांधी जी, उनके असासिनेशन के बाद ही राजीव गांधी जी ने टेक ओवर किए थी सीट, और 1984 से लेकर 1989 तक वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और मतलब सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, 40 मतलब ईयर्स के थे जब उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और फिर 21st में शायद 1991 को मतलब उनकी भी मतलब डेथ हो गई थी, और फिर उसके बाद उनकी ये समाधि बनाई गई है। गाइज ये है शक्ति स्थल, जो कि इंदिरा गांधी जी की समाधि है। और इंदिरा गांधी जी भी हमारी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, और वो भी दो बार, एक बार 1966 से 1977 तक, और एक बार 1980 से 1984 तक। और फिर 1984 में उनका असासिनेशन हो गया था, और फिर उसके बाद उनके जो बेटे थे राजीव गांधी जी, उन्होंने मतलब उनका उनकी सीट संभाली थी। और बाकी आप एक बार ये देख लीजिए। और बाकी गाइज मैं आपको ना यहाँ सब एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो दिखा देता हूँ समाधि, क्योंकि वो ये मैंने इनसे पूछा था तो ये कह रहे थे कि थोड़ा अलग कंपाउंड में है, तो मैं आपको एक बार अब आया हूँ तो एक बार दिखा देता हूँ। बाकी गाइज जो भी मेरे से अगर मिस हुआ है, जैसे काफ़ी लोगों की मतलब समाधि मिस हो गई है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की, तो वो आप यहाँ पर खुद ही विजिट करिए, और प्लीज़ एक बार आके चेकआउट ज़रूर करना, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, और मतलब हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, और सारा मतलब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सच बताऊं तो। गाइस फाइनली हम पहुंच गए अटल जी की समाधि के पास। इनकी समाधि का नाम है सदैव अटल। और ये जो मैंने आपको बताया था कि वो अलग कंपाउंड में है, तो आप एक बारी कंपाउंड देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल राजघाट से अलग ही कंपाउंड है। ये यहाँ पे मतलब कितनी सारी समाधिज है। गाइस अटल जी के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, पर शायद आपको ये नहीं पता होगा कि सबसे पहले वो प्राइम मिनिस्टर बने थे 13 डेज़ के लिए, उसके बाद 13 मंथ्स के लिए, और उसके बाद तो फिर 1999 से 2004 तक। और आप ये देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये लेटेस्ट एडिशन ही है, आई मीन मतलब 2018 में उनका मतलब जब डेथ हुई थी तो उस टाइम पे उनकी समाधि यहाँ बनाई गई है, और इसके बाद अभी तक तो यहाँ पर किसी की समाधि नहीं है। हाँ तो गाइज़ मेरा तो मतलब यही कहना है कि सही बताऊँ तो, कि अगर हर इंडियन अगर अपने दिल में यही सोच लेना कि यार अगर उन्होंने कि ऐसा कोई काम करना है कि जिससे उनकी भी समाधि ऐसे बनाई जाए, या मतलब उनको भी याद रखा जाए इस तरीके से, तो मतलब मेरे हिसाब से इंडिया मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाएगा। अभी भी खैर बहुत आगे है, बट स्टिल यार मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर बस इतनी सी सोच पैदा कर लेना, अगर कोई भी मतलब जैसे हम जैसे या फिर यूथ जो है कि अगर मतलब कि ऐसा कोई काम करना है कि यार इतना मतलब नाम हो जाए कि यहाँ पे ऐसे समाधि बन जाए कि लोग हमारी समाधियों को रिस्पेक्ट देने आए, तो मतलब मेरे हिसाब से इंडिया का मतलब हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बाकी गाइस आप ये देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। बाकी मैं आपसे मतलब नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा, अभी तो फ़िलहाल चलता ही हूँ। आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और मुझे कहाँ जाना चाहिए। और बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोज़ गाइस। बाय।